हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चॉक्स के बारे में बताऊंगी कि किन किन चीज़ कौन कौन सी मैं चॉक्स यूज़ करती हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये अप्सरा की ग्लास पेंसिल बताऊंगी, वाइट कलर की। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल्स हैं, तो ये मैंने वाइट कलर के लिए इसको ब्लैक कलर के फैब्रिक में देखिए, बहुत ही अच्छा ही निशान लग जाता है। और इसके बाद ये डॉम की चॉक है, ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेती है। ये डस्ट प्रूफ है, डस्टलेस है, इससे डस्ट नहीं निकलती और फैब्रिक गंदा नहीं होता है। और ये है टेलर चॉक। टेलर चॉक का भी यूज़ अच्छा होता है, निशान अच्छे लगते हैं, बट इसका है एक बैक पॉइंट है कि ये टूट बहुत जल्दी जाती है, तो इसलिए मुझे ये बहुत कम पसंद आती है। और ये डॉम्स की आपको कलर्स में भी काफ़ी अच्छी रेंज मिलती है। ये आपको अगर लाइट कलर है तो आप अपने कलर के अकॉर्डिंग ही इसको लगा सकते हैं। और ये क्रियॉन्स है, क्रियॉन से भी निशान बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास चॉक नहीं है तो, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपके पास क्रियॉन ज़रूर होगा, तो आप क्रियॉन से बना सकते हैं। और ये मैंने क्रियॉन से ही, जो क्रियॉन छोटे टूट जाते हैं उससे बनाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसको घर पर ही मैंने बनाया है अपना, तो इसको भी अच्छे से रीयूज हो जाएगा और आपको अच्छी सी चौक भी बन जाएगी। तो चौक की काफ़ी अच्छी रेंज है। और ये सबसे मेरी फेवरेट है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट है, तो जो घर पे छोटे छोटे पीसेस बचे रह जाते हैं तो उसको आप उठा के धूप में रख दीजिए एक दो दिन की। ये बहुत ही अच्छे से निशान लगाता है और इसको वॉश करने पर निकल भी जाएगा। वैसे बहुत ही अच्छे कर्व्स भी बनते हैं अगर आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो उसके लिए भी, अगर आपको निशान बनाना है ट्रेसिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। और लाइट फैब्रिक पे भी बहुत अच्छे से निशान लगता है, लाइट और डार्क दोनों पे ही इवनली अच्छे से निशान लगा देंगे आपको कटिंग के लिए आराम से। वाइट पेंसिल से बल्कि इतना अच्छा निशान नहीं लगेगा जितना अच्छा सोप से है, तो मेरा फेवरेट तो सोप है। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चॉक्स जिनको मैं अपने स्विंग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करती हूँ। और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आप सोप से भी सोप चॉक बना सकते हैं, तो इनको यूज़ किए। और जो भी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।